एनसीपी पार्टी के पदाधिकारी के कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 बाइक सवार लोग यहां पर पहुंचते हैं और हमला कर देते हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि रात के समय कार्यालय में तोड़फोड़ की जा रही है। ये मामला कल्याणपुर सूचक नागा के रहने वाले शमीम शेख के कार्यालय में तोड़फोड़ किया गया है। शमीम शेख एनसीपी पार्टी में ग्रामीण सचिव के पद पर है। शमीम शेख ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे के आसपास 2 से 3 बदमाश बाइक पर पहुंचते हैं, जिनके हाथ में हथियार भी होता है, और ये लोग कार्यालय में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सीसीटीवी भी तोड़ दिया गया है। शमीम शेख ने बताया कि उनके भतीजे पर कुछ युवकों ने हमला किया था, जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। शमीम शेख का कहना है कि कार्यालय में जो तोड़फोड़ की गई है, शायद इसी वजह से तोड़फोड़ हुई। शमीम शेख साहब, क्या पद है आपके पास? मैं कल्याण ग्रामीण का सिक्योरिटी हूँ। क्या हुआ है बताइए? ये ऐसा हुआ है कि कल रात में 11:30 बजे यहाँ से मैं चला गया था। उसके बाद जो मेरे भतीजे के साथ एक हादसा हुआ था, वह हादसे में 3 आरोपी को अटैक किया गया था और 2 आरोपी जो है अभी उनका वो अन्य के थे, उनको अटैक नहीं किया गया था। और ऐसा हुआ कि कल वो आके मेरे कार्यालय पे, राष्ट्रवादी कार्यालय पे, ये लोग ने हमला किया है और मेरा मतलब कैमरा वगैरह फोड़ा है, बैनर का भी तकलीफ दिया है। मेरा खुद नसीब ऐसा था कि मैं यहाँ से निकल चुका था, नहीं तो मेरे पे भी ये हमला हो सकता था। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो की जाए और कानून द्वारा इनको सजा मिलनी चाहिए।